अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है दाल मखनी, और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। 2 कप मैंने लिए हैं साबुत उड़द, इसको मैंने चुन लिया है। 1/2 कप से ज़्यादा है राजमा, इन दोनों को हम चुन लेंगे। 2 टेबल स्पून लिया है बटर, इनको चुनकर मैंने भिगो दिया। 1 कटोरी में है क्रीम, नमक स्वाद अनुसार, 3 टमाटर, 2 बड़ी प्याज, 10 से 15 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी भरकर लहसुन हैं। और दाल उबालने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, हरी मिर्च, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची। मैंने रात भर में इसे भिगो दिया था, सुबह मुझे बनानी थी तो मैंने रात में इसे भिगो दिया। अब मैंने चूल्हे पर बर्तन रख दिया है, उसमें दाल और राजमा डाल दिया। अगर आपको कभी इमरजेंसी हो बनाने की तो आप उसको दिन में भी 2 घंटे के लिए भिगो दें गर्म पानी में, फिर बना सकती हैं। मैंने इसमें लंबी लंबी अदरक काट के डाल दी, दालचीनी डाल दी और बड़ी इलायची खोल कर डाल दी है। नमक भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 2 हरी मिर्च इसमें मैं अभी उबलते हुए काट कर डाल रही हूँ, और पानी इतना डालें कि दाल और राजमा अच्छी तरह से गल जाएं। बस अब इसको चला के हम लगा देंगे 5 से 7 सीटी, जब तक कि अच्छी तरह गल ना जाए। ये देखिए, मैंने 5-7 सीटियाँ लगाने के बाद, मैंने प्रेशर निकलने के बाद इसको मैंने खोला है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से दाल भी गल गई है और राजमा भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। बस हमें इसी तरह का चाहिए था। अब मैंने चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूंगी मक्खन। मक्खन डालने के बाद मैं इसमें तेल डाल दूंगी ताकि मक्खन जले नहीं। इस टाइम आँच हमने तेज़ कर रखी है, और जो लहसुन लिया था हमने बारीक बारीक काट लिया है। मक्खन और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को चलाते हुए भूनेंगे, हमको इसको कोई कलर नहीं देना है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी चॉप की हुई प्याज, हमको प्याज को भी लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा कलर देना है, बिल्कुल हल्का। अब हमें डाल दूंगी चॉप की हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, हमारे यहाँ थोड़ी कम मिर्चें खाई जाती हैं तो इसलिए मैं कम मिर्चें डालती हूँ। चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ तो है नहीं, तो ज़्यादा भूनना है नहीं, हमें सिर्फ इनको गलने तक हमें भूनना है, टमाटर को और प्याज को। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी थी थोड़ा सा कलर देने के लिए, और थोड़ा पानी डालकर हम टमाटर के गलने तक इसको भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो ऊपर ऊपर से थोड़ी सी तरी मैं इसमें से निकाल लूँगी ऊपर गार्निश के लिए। घी किनारे पर आने लगता है उस टाइम पे ये हमारा मसाला तैयार है। फिर हम इसमें दाल जो हमने उबाल रखी है वो शामिल कर देंगे। मैंने ऑयल निकाल लिया है, अब इसमें मैं दाल और राजमा शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अभी मैं इसमें कोई पानी नहीं डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने के बाद ही मैं इसमें पानी डालूंगी। अच्छी तरह से चलाते रहें, दाल हमारी पूरी तरह से बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालकर और दूध डालकर गलने के लिए रख दूंगी। ये इसके सीक्रेट है कि आप इसमें 1 कप दूध ज़रूर डालें जब आप गलने के लिए रखें, और पानी भी शामिल कर दें, और इसको पकने के लिए अब हमको स्लो में छोड़ना है, कम से कम 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, जितना देर आप पकाएंगी उतना ही उसका अच्छा टेस्ट आएगा।
हल्की आंच पे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा, जब मुझे लगा कि ये खुशक होने लगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालना शुरू कर दिया है और इसको मैं साथ साथ मैश भी करती जा रही हूँ। हल्का हल्का सा दूध डालते रहें, जब आपको लगे कि बहुत गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह से मैंने पूरा एक कप दूध डाल दिया है। एक कप मैंने शुरू में डाला था, एक कप दूध मैंने लास्ट में थोड़ा थोड़ा कर डाला है। इससे इसका फ्लेवर बहुत रिच, बहुत अच्छा आता है। एक बार आप बनाएं इसी तरह से, फिर मुझे बताएं कि आप जो दाल मखनी बनाती हैं और ये जो दाल मखनी है, इनमें क्या फ़र्क है। बस हमारी दाल मखनी तैयार है, अब हमने इसको सर्व कर दिया है। ऊपर जो हमने रोगन उतारा था, इसका ऑयल उतारा था, उससे गार्निश कर दिया है। लाल जो मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी, वो इसीलिए डाली थी कि उसका जो ऊपर की तरी का जो कलर है वो रेड हो जाए। बस अब हम क्रीम और कटी हुई अदरक से इसको गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। ये दाल मखनी नान के साथ, चपाती के साथ, बटर नान के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत कम मसालों से बनने वाली है। बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार आप बनाएं ज़रूर और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। ऊपर से हम इसमें मक्खन डालकर सर्व करेंगे। और आपको अगर हींग डालनी है तो जब हम लहसुन डालेंगे उससे पहले हींग डाल दें, लेकिन उड़द की दाल है, मैंने उसमें अदरक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। ये डिश मुझको बहुत हल्के मसाले की रखनी थी, इसलिए मैंने इसमें ऊपर से गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी शामिल कर लें।